जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विषाणु से होने वाले रोग। जी हाँ दोस्तों, आपने जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग पढ़े होंगे लेकिन आपको कभी याद नहीं हुए होंगे। आज के वीडियो में विषाणु से होने वाले जितने भी रोग हैं वो आपको याद हो जाएंगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा रोग विषाणु से होता है, यानी कि वायरस से होता है। ठीक है, तो आज पूरा वीडियो आपको अवश्य देखना है। आज मैं ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूं जिससे आपको पूरे विषाणु से होने वाले जो रोग हैं वो याद हो जाएंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे चित्र में, ये यहाँ पर विष है ना, और हम पढ़ रहे हैं विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है, विषाणु को हम लेंगे विष। ठीक है, सीधा सीधा आपको विष रखना है। और ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों धतूरा, धतूरा एक विष होता है। इसके जो बीज होता है जो खा लेता है वो विष के समान आकार करता है। तो सिर्फ आपको धतूरे के बीज को देखना है और एक व्यक्ति को लेना है कि ये जो धतूरे के बीज हैं दोस्तों इससे क्या है, ये विष हैं और ये विष से क्या है आदमी को खतरा है। खतरा है यानी कि जो खसरा रोग है ये कैसे होता है, विषाणु से होता है। ठीक है, इन बीजों से क्या है, खतरा है तो खसरा कैसे होगा आपका, विषाणु से। अब कैसे खतरा है, इन बीजों से खतरा है तो बीज, बीज से रेबीज, रेबीज भी विषाणु से होगा। ठीक है, इन बीजों से खतरा है तो रेबीज। ठीक है, अब इनके एक भी पीस, अगर इसका एक भी पीस, एक भी पीस तो हर पीस है ना, अगर किसी ने इसका एक भी पीस चक लिया, चक लिया तो चेचक, एक भी पीस तो हर पीस, चक लिया तो चेचक। ठीक है, लिया या लियो, तो लियो मतलब पोलियो है ना, चक लियो तो पोलियो, और अगर इसने ये पीस चक लियो है तो इसका क्या हो जाएगा, गला सूज जाएगा, गला सूज जाएगा तो गलसुआ है ना, और इसका गला सूखेगा तो फिर इसे डेंगू बुखार आएगा। डेंगू बुखार आएगा तो डेंगू बुखार भी आपका विषाणु से होगा। जी हाँ दोस्तों, और डेंगू बुखार आएगा तो लोग बोलेंगे इसे फल खिलाओ, फल खिलाओ यानी कि फ्लू, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ये चीज़ याद रखनी है। फल खिलाओगे तो ये क्या करेगा, मना करेगा, मना करेगा तो मेनिन, मैनी, मैनी खाता तो मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, और जब ये फल नहीं खाएगा कमजोरी आ जाएगी तो ये कोमा में चले जाएगा, कोमा में चला जाएगा तो ट्रोकोमा, ट्रोकोमा रोग भी विषाणु से होगा आपका। ठीक है, और ये जब कोमा में जाएगा तो इसके ज़िंदगी का जो मैच है वो क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा, तो हेपेटाइटिस, टाई हो रहा है दोस्तों इसकी ज़िंदगी का मैच तो हेपेटाइटिस, और जब इसका मैच टाई हो जाएगा तो कोई भी मीडिया वाले इसकी ऐड नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे कि ये विष से मरा है, तो ऐड नहीं करेंगे तो एड्स। एक बार और अच्छे से समझ लो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। विषाणु यानी कि आपको लेना है सिर्फ विष। ठीक है, विष से क्या है आपको, खतरा है, खतरा है तो खसरा रोग कैसे होगा, विषाणु से होगा। ठीक है, विष का अगर एक भी बीज, एक भी बीज अगर आपने खा लिया तो आपको रेबीज है ना, रेबीज हो जाएगा। ठीक है, तो रेबीज भी आपको विषाणु से होगा। ठीक है, अब एक भी क्या खा लिया, पीस खा लिया, पीस तो हर पीस भी होगा आपका विषाणु से। ठीक है, खा लिया नहीं चक लिया, क्या चक लिया तो चेचक भी आपका विषाणु से हो जाएगा। ठीक है, लिया तो लियो है ना, लियो तो पोलियो भी आपका विषाणु से होगा। फिर अगर चक लियो तो आपका गला सूज जाएगा, गला सूजेगा तो गलसुआ, ठीक है गलसुआ, और आपको कौन सा बुखार आएगा, डेंगू बुखार आएगा, तो डेंगू भी आपका विषाणु से होगा है ना, और जब डेंगू आएगा तो आपको कमजोरी आएगी तो लोग बोलेंगे फल खिलाओ, तो फ्लू है ना, इन्फ्लुएंजा, और आप फिर क्या करोगे, मना करोगे तो मेनिनजाइटिस, मैनी खाता, मैनी खाता तो मेनिनजाइटिस, ये रोग भी विषाणु से होगा, और जब फल नहीं खाओगे तो आप कोमा में चले जाओगे, कोमा में चले जाओगे तो ट्रोकोमा, ट्रोकोमा रोग भी आपका विषाणु से होगा है ना, और आपकी ज़िंदगी का जो मैच है वो क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा, तो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी आपका विषाणु से होगा, और ये मीडिया वाले फिर ऐड नहीं करेंगे आपके कि ये विष से मरा है, तो एड्स रोग भी कैसे होगा, विषाणु से होगा। तो सीधा सीधा सा है दोस्तों, आपको रिलेट करना है
विष से रिलेट करना है, विषाणु मतलब विष, ठीक है, विष से आपको खतरा है, इसका एक भी बीज खा लिया तो रेबीज हो जाएगा विषाणु से, है ना, एक भी पीस खा लिया तो हर पीस हो जाएगा, एक भी पीस चक लिया, चक लिया तो चेचक हो जाएगा, लियो से पोलियो, है ना, चक लियो तो लियो से पोलियो, और फिर क्या सूझ जाएगा, गला सूझ जाएगा, और कौन सा बुखार होगा, डेंगू, डेंगू बुखार होगा तो कमजोरी आ जाएगी, लोग बोलेंगे फल खा लो तो इन्फ्लुएंजा, है ना, मैं क्या बोलूँगा, मैं नहीं खाता तो मेनिनजाइटिस, और मैं जब नहीं खाऊँगा तो कमजोरी आएगी, तो कोमा में चले जाएंगे तो ट्रोकोमा, और फिर क्या होगा, ज़िंदगी का मैच टाई हो जाएगा तो हेपेटाइटिस, और फिर ये मीडिया वाले आपकी ऐड नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे तो एड्स। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो आपने देखे यहाँ पर, ये सारे के सारे जो रोग हैं ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। सिर्फ आपको इस वीडियो को दो बार देखना है और आप कभी नहीं भूलोगे, सिर्फ आपको एक मन में इमेज बनाना है कि ये विष है और विष से ऐसा ऐसा होता है और ये ऐसा ऐसा करेंगे तो ठीक है, आप कभी नहीं बोलेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसी प्रकार के न्यू ट्रिक आपको रोज़ मिलेंगी, है ना, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी ट्रिक आपको दी हैं, रोज़ 8:15 पर और सुबह 9:15 पर आपको ट्रिकी वीडियो मिलते हैं। दोस्तों जुड़े रहें इसी प्रकार से दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल से, और मज़ा लेते रहें नई नई ट्रिक का। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।